जहाँ जदि अच्छी मो स्क्रीन आप देख पारे ये हूँ विंडी मैप विंडी डॉट कॉम जो प्रेडिक्ट करुच्ची ये हूँ तार मैप एवं से अनुसार कौ भाव देखूँ आप माड़ी आसुच्ची यस एवं यस क्रमे से आग को आसब एवं धीरे धीरे ये आग को आसिकी ये धामरा पाखे साढ़े पांचटे पहुँच बोली आईएमडी प्रेडिक्ट करुच्ची एवं एबे जो चित्र अच्छी ये एबेकार सिचुएसन देखु ये जो चित्र अच्छी ये एबेकार सिचुएसन ये धीरे धीरे आग को आसब एवं धामरारे साढ़े पांचटे पहुँचव धामरा और बालेश्वर भितर लैंडफल कर ये गोटे लंबा प्रोसेस एवं ए प्रोसेस भितर से धीरे धीरे लैंडफल कर आते जे विंड स्पीड ये हूँ विंडी डॉट कॉम रो विंडी डॉट कॉम रो मैप रे आपण देखुछंती जे कोभली भावे से धीरे धीरे आसुची एवं जेते जेते स्लो रे आसीब शक्ति सेतिकी ठूळ करी करी आसीब यस एवं ये मैप हूँ विंडी डॉट कॉम रो से क्रमश उत्तर ओडिशा उपकूल आड़ को मुहेंची एवं उत्तर ओडिशा उपकूल मुहेंकी से देखंतु धीरे धीरे ये जो मैप अछि एठी जहां अछि ये धीरे धीरे आगु को आसीब एवं ए चित्र हेउछि विंडीर एवं से धीरे धीरे कोस्टल को आसीब धामरा रे साढ़े पांचटा रे पहुँचे बोली आईएमडी प्रेडिक्ट करुछि ए आई एवं साइक्लोन रो आई जो जगह को आसीब एवं जो कथा आईएमडी रो निर्देशक कहउछन्ति मृत्युंजय महापात्र आपण देखुछन्ति ए विंडीर चित्र ये हेउछि विंडीर चित्र एवं विंडी चित्र ये कहउछि एवं आईएमडी रो डायरेक्टर जहाँ कहउछन्ति जे जेतेबेले लैंडफॉल करिवो तार राइट साइड रे बेसी प्रभावित करे एवं बालेश्वर भद्रक राइट साइड रे अछंती एवं एई दुई जिला व्यापक क्षतिग्रस्त एवं से ता सहित केन्द्रापड़ा एवं जगत सिंहपुर भी बहुत मात्रा रे प्रभावित हो एवं जो स्पीड अच्छी ये हूँ स्पीड ये पवन रो बेग मैक्सिमम 185 किलोमीटर पर्यंत जाईपे जो लैंडफॉल हे जो धामरा को छुईब से धामरा को 100 जिते छुईब 155 165 एवं बढ़ी बढ़ी ये मैक्सिमम 185 किलोमीटर पर्यंत जीव पवन रो बेग एवं एक आईएमडी डायरेक्टर कहते श्रीयुक्त मृत्युंजय महापात्र एक आईएमडी प्रेडिक्ट करी जे मध्य रात्रि पवन रो बेग बढ़ी बढ़ी चलो 120-130 किलोमीटर पर्यंत जाईपे मैक्सिमम 145 किलोमीटर किंतु काली सकाळु पवन रो बेग आहुरी बढ़िबो एवं सबुठू बेसी आपण देखुछन्ती स्क्रीन ने जो भली भाबे ये बढ़ी बढ़ी जाउछि एवं पवन रो बेग कि भली हेबो ये सेया ही इंडिकेट करुछि एवं जेतेबेले वर्षा कथा कह जाउछि वर्षा बेसी हेबो जो रेड वार्निंग जो जो जिला को जारी करा जाउछि एवं रेड वार्निंग जारी करा जाइछि भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर रे बाकी ऑरेंज जोन रे जो माने अछन्ती ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि से गुडी कहउछि देखु जो भली भाव आप देखुंजे ट्राक हो किभली साइक्लोन ट्राक हमें ग्राफिकली देखापी चाहूँ आप देखु ये हूँ ये जीव पवन रेग जीव ये गड़ी गड़ी बढ़ी बढ़ी जीव धामरा आड़ को धामरा पर से बालेश्वर भद्रक धीरे धीरे देखु ये हूँ तार मैप्र ये हूँ मैप्र चित्र यही भाव आसब साइक्लोन आसुची यस एवं यस यही भाव आसिकी जो भाई धामरा को जाकि मयूरभंज दे कि बाहरी जीव किंतु मयूरभंज रे भी 120-130 किलोमीटर घंटा प्रति बेगरे पवन बहिबो ये ग्राफिकली आम आपको चेष्टा करुच्छू देखापी जो इमेज अच्छी जे कौ भली भावे पवन रो बेग एवं यस रो गतिपथ कौन से ट्राक कर यार प्रभाव रे भद्रक बालेश्वर एवं एपटे केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर यार प्रभाव पड़ ये ट्राकिंग द्वारा आम आपको देखु धीरे धीरे जमी आग को बढ़ मयूरभंज दे कि धीरे धीरे दुर्बल हेबो यस एवं दुर्बल हो कि से चली जीव किंतु बड़ कथा हेउछि एतिकी समय रे 5:30 आरंभ हेबो प्रोसेसटा एवं 5:30 ए प्रोसेस मध्यान सुधा चलिबो ये आईएमडी डायरेक्टर जहाँ प्रेडिक्ट करुछंती जे मध्यान सुधा चलिबो एवं मध्यान बेलुकु जेतेबेले लैंडफॉल करिबो सेतेबेले मैक्सिमम विंड स्पीड 185 किलोमीटर घंटा प्रति हो पारे आप देखुं पवन बहिबा आरंभ है विभिन्न स्थानु आम आपको दृश्य देखा ए दृश्य ही कौच पवन बहला जदि कोस्टाल कहता एवं 50-60 किलोमीटर घंटा प्रति बेगर पवन बहुत विभिन्न स्थानु आम जो चित्र देखा से चित्र यह ही बयान करुच्ची जे यस प्रभाव पड़ा आरंभ हो सारा आज मध्यरात्र ये पवन बेग आहुरी बढ़ जे 50-60-80-90 किलोमीटर घंटा प्रति 150-60 पर्यंत जाईपे जो लैंडफॉल कर सेतेबेले मैक्सिमम 185 किलोमीटर पर्यंत जाईपे आईएमडी प्रेडिक्ट करी विभिन्न समय में पवन बेग जो महावात्या सुपर साइक्लोन स्टेज को सेटा जाता 1999 जगत सिंहपुर सहित कोस्टल ओडिशा रे ध्वस्त विध्वस्त करदे सरकारी भाव कह 10,000 अधिक लोक कितु ए संख्या आधिक जो मृताहत संख्या
बहुल भाव प्रभावित होता। तापर फाइलिन आसला, फाइलिन कोस्टाल सहित साउथ ओडिशा रे प्रभावित करथिला। हुदुद आसला, तितली गजपति जिला को प्रभावित करथिला। अम्फान एवं फनी, फनी कटक भुवनेश्वर खोर्धा पुरी को व्यापक भाव प्रभावित करथिला। 200 रु 220 किलोमीटर पर्यंत जाइथिला एवं रिकर्व करा जाउथला बोली कहाइथिला। किंतु एई जो बात्या यस ये रिकर्व करिवनी बोली आईएमडी डायरेक्टर कहउछन्ति, आईएमडी निर्देशक कहउछन्ति ये रिकर्व करिवनी, ये आसिकी अतिक्रम करिकी आगुकु पळेब। ये देखंतु जो कथा कहउछली मु जे रेड जोन बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर यही सब जगह अधिक वर्षा हबो एवं प्रबल रु प्रबल वर्षा हबो। ये हेउछि अलर्ट जारी करा जाइछि, रेड वार्निंग जारी करा जाइछि यही सब जिला को। ये चारोटी जिला बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर एठी बहु वर्षा हबो एवं व्यापक वर्षा हबो एवं अति प्रबल रु प्रबल मात्रा रे वर्षा हबो। एठी रेड वार्निंग जारी करा जाइछि। ये सब हेउछि रेड वार्निंग, आपण देखुछंती स्क्रीन रे मु आपनकु देखाय पई चाहूची। ए सब जिला हेउछि रेड वार्निंग एवं तापरे ऑरेंज वार्निंग, एवं ऑरेंज वार्निंग जो जो जगह दिया जाइछि देखंतु खोर्धा अछि, पुरी अछि, कटक अछि एवं ये हेउछि केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगत सिंह। आपनकु स्क्रीन रे देखंतु भद्रक, बालेश्वर, केन्द्रापड़ा, जगत सिंहपुर एही चार जिला रेड वार्निंग जारी करा जाइछि। एठी प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबो कारण लैंडफॉल करूछि धामरारु बालेश्वर भितरे तो प्रभावित हबो। एवं ये होछि येलो देखंतु गंजाम, ढेंकानाल एवं केन्दुझर एही तीनोटी येलो जोन ने आछन्ति, येलो वार्निंग जारी करा जाउछि। एठी भी प्रबल वर्षा हबो, एठी वर्षा हबो किंतु रेड जोन रे रेड वार्निंग जोठी करा जाइछि चार जिला को सेठी प्रबल रु अति प्रबल हबो। ऑरेंज वार्निंग भी जारी करा जाइछि। ये होछि येलो वार्निंग जोठी करा जाउछि गंजाम, ढेंकानाल आउ केन्दुझर एठी भी वर्षा हबो। ए तीनोटी जिला रे भी वर्षा हबो ये आईएमडी रो पूर्वानुमान। एवं बेसी वर्षा जोठी हबो तार चित्र भी रेड रे आम देखौथुलु जो रेड वार्निंग जारी करा जाइथिला। एवं रेड, ऑरेंज आउ येलो एवं सेइथी पई वर्षा अलर्ट आज हेछि जे ए ए जगह रे वर्षा हबो। एवं वर्षा हेले खोर्धा आसुछि, कटक आसुछि एमाने सबु ऑरेंज जोन रे आसुछन्ति। आउ एठी सबुटु बड हेला जल निष्कासन समस्या, लगातार वर्षा हेले कटक भुवनेश्वर कोभली स्थिति हुए, इवेन पुरी रे ये समस्ते जानी। तो यहाँ बड़ चैलेंज हम पावर कट भी हो पाए। ये देखूँ पवन रेग, पवन रेग को आम आपण स्क्रीन में देखा जे पवन रेग कौन रो कथा आईएमडी डीजी कहते, आईएमडी निर्देशक कहते जे यस प्रभाव चारोटी जिले में विशेष भाव प्रभाव अनुभूत हे बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगत सिंहपुर एवं गला बेले मयूरभंज रे भी प्रभाव पड़ ता सहित अन्य जिला मानक भी वर्षा हबो। पवन भी 50 रु 60 किलोमीटर भितर हबो। एवं जुआर कथा जे बालेश्वर भद्रक रे 2 रु 4 मीटर उच्चरे जुआर उठिबो, 2 रु 4 मीटर भद्रक बालेश्वर रे, जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा रे 2 मीटर उच्चरे जुआर आसिबो। ये होछि आईएमडी रो पूर्वानुमान। सुक्त मृत्युंजय महापात्र आमुकु जो इंटरव्यू दउथले एकथा कहउथले एवं काली भोर 5:30 रे धामरा रे पहुंचिबो बात्या यस। एवं क्रमश आपण देखुछन्ति जे समुद्र अशांत हेलाणी, कोई भाव जुआर आसुची, ढेऊ आसुची। एवं जो कथा आम कहूलु जे भद्रक बालेश्वर 2 रु 4 मीटर पर्यंत लहरी आसिबो, जुआर आसिबो 2 रु 4 मीटर। एवं जगत सिंहपुर आउ केन्द्रापड़ा रे 2 मीटर पर्यंत जुआर आसिबो। ये होछि आईएमडी रो पूर्वानुमान। आपण देखुछन्ति जे समुद्र अशांत हेलाणी एवं जो माने समुद्र कूल रे जो लोक रहउछन्ति सेमाने सचेतन, सेमाने बात्रा आश्रयस्थली को जानतु, निरापद स्थान को जानतु। एवं जो प्रेडिक्शन करा जाउछि जे कच्चा घर भांगी जीव, इवन किसी पक्का घर भी भांगी जाई पारे एते जोर रे पवन हबो, विद्युत खुंट उपुड़ी जीव, टेलीफोन टावर उपुड़ी जीव। एवं आपण देखंतु ये पुरी, भद्रक आउ केन्द्रापड़ार दृश्य, पुरी, भद्रक, केन्द्रापड़ार दृश्य जे यस रो प्रभाव केमिति पड़ुछि एवं ता प्रभाव रे किभली भावे पवन होउछि को समुद्र कूल अंचल रो दृश्य ता सहित लोक माने भयभीत रहउछन्ति। मानस कानुंगो आम जगत सिंहपुर प्रतिनिधि अच्छा सालिया ब्रिज पाखे। मानस बाबू सेठिकार चित्र आपण कौन देखुं अपडेट जानापी चाहिए, जगत सिंहपुर बासी एवं ओडिशावासी जानापी चाहते कौन अपडेट देखुं आप? हाँ देखते दुर्गाशी
ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସର୍ବାଧିକ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏସବା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି କିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ମାରି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହୁଛି ସମୁଦ୍ର କିଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଲୁଛି ଏବଂ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ଏରସମାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଉ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଆଉ ପୁରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ଏବେ ଯିବା ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଖକୁ ସନ୍ତୋଷ ଧାମରା ଛୁଇଁବ 5:30 ଯାହା IMDର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କହୁଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 5:30 ଧାମରା ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଧାମରା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିକ୍ରମ କରିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସେତେବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ମାକ୍ସିମମ୍ 185 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ ଏବେ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାମରାର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ IMD ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବାତ୍ୟାର ଆଇ ସେ ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ସେଠି ପାଖାପାଖି 4 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଉଠିବ ଏବଂ ସେ ପାଣି ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ଯେଉଁଥିରେ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପୁରା ଚରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କହିରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାମରାରେ ଭଦ୍ରକ SP ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ BDO ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଧାମରା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ଉପୁଜୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଲିମୁଣ୍ଡା ସାହି ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 400 ଘର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାଳେ ଗଲେ ସେଠି ଆଉ କାହା ସଂକ୍ରମିତରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ନିକଟରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ମୁସଲିମ ସାହି ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଠୁ କିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ଯିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମା କରିବେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପବନର ବେଗ କଥା ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ହାବଭାବ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆକଳନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 60 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନ ସତର୍କତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ କିଛି ସତର୍କ ସଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇପାରେ କାହିଁକିନା ପ୍ରଶାସନ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ହୁଏତ କନଫର୍ମେସନ୍ ପୁରା ନଥିଲା ଯେ ଧାମରା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ହିଁ ଧାମରା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ କାଲି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଧାମରାରେ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ NDRF ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏ ଗଛର ଗତିବିଧି ଆପଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଲଗାତାର ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପବନର ବେଗ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଗାଁ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସେମାନେ କିଏ ଗଲେଣି କି କାଲି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ନିଜେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ସେଠାକାର ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ନିରାପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ରୁ 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯଦି ଧାମରାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେଉଁ ମୋହନପୁର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରେ ତାହେଲେ 5-6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଏଥିରେ ବଇଁଚା ଅଛି ତା ସହିତ କରଞ୍ଜମାଳ ଅଛି ଧାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବ ଏବଂ ଏ ଜାଗାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇକ୍ ଧରିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
करने प्रशासन टार्गेट रखी था से टार्गेट यही पूरण करेहेतु किसी अस्थायी जो बात्या आश्रयस्थल केन्द्र चिन्हट कराई जो थे स्कूल अच्छी कलेज अच्छी अंगनवाड़ी केन्द्र अच्छी और सरकारी गृह अच्छी से सरकारी गृहगुड़िक से मात्र उपयोगी नुह कौटी छात अतड़ा कसुची तो कौटी विद्युत कौटी जल जोगाण हो पारे तो कौटी एत पर्यंत जेनेटर कि डीजी व्यवस्था हो पारे और सबुठ दुख और विड़म्बनार विषय लोके कि जा कालीठू जेहेतु पवन आज सका बहुतला लोके किसी भयभीत ही से जगार जा पहुँची से कौन प्रकार व्यवस्था देखी नथिले कौन खाद्य पानी व्यवस्था नथिला मास्क सानिटाइजर नथिला या पूर्व लोकों सहित आलोचना कलु निहांती संतोष जो कथा आपण कहउछंती जे अरेंजमेंट को नेकी एवं एठी पवन जेतेबेले हिट करिवो एवं धामरा रे 5:30 सखाळु पहुँचिवो धीरे धीरे अतिक्रम करिवो बालेश्वर एवं धामरा भितर एवं अतिक्रम करिवो मध्यान सुधा अतिक्रम करिजिवो बोली ये कहउछंती IMD जहाँ पूर्वानुमान करुछि तो लोकों भी लोक भयभीत अच्छा से निरापद सुरक्षित रहिबे केमती ता सहित कोविड गाइडलाइन पालन करिबे ये डबल चैलेंज रहुछि याकु केमती देखुछंती लोकों भितर भावना कौन लोक भयभीत देखो निश्चित भाव दुर्गाशीष समान प्रसंग में आज जितेबाला आम दुई तीन टी पंचायत बुलूँ जो बईचा करंजमाल चांदीनमाल एभली पंचायत बुलूँ लोकंर किसी प्रतिक्रिया नहीं पूर्व बात्यागुड़िकर जो लोकंर 8 लक्ष 10 लक्ष टंकार बोट नष्ट डंगा नष्ट से भुटुभुटी नष्ट ता सहित घर को क्षति पहुँची आपण को जहाँ आज चित्र आम सीधा सड़क अर्गस मध्यम देखेलु जो सका 7:30 पूरा 10टा पर्यंत जुआर को हिसाब से पूरा बंध डेला घर भितर पानी पशिता कि गोटे अभियोग प्रत्येक वर्ष बात्या समय सरकारी बाबू आसुचंती फोटो उठाऊँच कितु से किसी क्षतिपूरण मिलूनी एवं जो बिस्कुट चूड़ा साहय एवं किसी मन बुझापी आनी लोकों पाखे बिस्कुट चूड़ा दे दौंती तो लोक मैंने कहते आम ये बिस्कुट चूड़ा नहीं पूर्व प्रस्तुत अच्छु जदि सरकारी स्तर में कौन प्रकार सहानुभूति मिलता जो प्रकृत में जो जिन नष्ट होता बाबद किसी सहायता सहयोग मिलता और जो बात्या आश्रयस्थल गुड़क आमको पठाऊँच विद्युत व्यवस्था भल्द कराई पारंता एवं छोटो छुआ को रही भल सुविधा जाता है कोविड कटक जेहतु अच्छी सेगुड़ी सानिटाइज करवा लोकों भितर मास्क बांटा सहित से सानिटाइजर दवा एभली कार्यक्रम जो पारंता बोध हुए लोके किसी आकृष्ट हो पारे लोक मैंने बारंबार आपको आठकार अपडेट चित्र भी देखू कि प्रभाव पकाउ